वहीं बात अगली खबर की, फरीदाबाद बल्लभगढ़ में लगातार क्राइम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बल्लभगढ़ शहर में लगातार लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं। बता दें बल्लभगढ़ अनाज मंडी में अब तक लूटपाट की करीब 2 वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें पुलिस के हाथ अब तक खाली नजर आ रहे हैं। क्रिमिनल क्राइम करके चले जाते हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। ताज़ा मामला बीती दिन रविवार रात 9 बजे का है, जहां पर 3 बाइक सवार युवक एक किराने की दुकान से बंदूक की नोक पर करीब 90,000 रुपए ले उड़े। दुकान का और लूटपाट का क्या है सारा मामला? कल शाम को करीब 9:15 के आसपास एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मंडी में गोली चली है। जिस इन्फॉर्मेशन पे हमने अपनी कार्रवाई शुरू की तो ये चीज़ सामने आई कि वहाँ पे सोनू नाम का लड़का है जो करियाने की दुकान चलाता है, तो उसकी दुकान पे ये वारदात हुई है। करीब 80-90 हज़ार रुपये जो उसने अपना पूरे दिन की जो बिक्री की हुई थी वो पैसे पड़े थे, वो छीन के ले गए हैं। और जब वो उसको पकड़ने की कोशिश की है तब जो वारदात करने के लिए जो अपराधी आए हुए थे उन्होंने उस पर गोली चलाई जो उसके पेट के आर पार निकल गई और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी आउट ऑफ डेंजर है जी। आरोपी की बात करें तो क्या कोई पहचान हो पाई है, कौन है, क्या है, किसी पर कोई शक? अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही उनकी पहचान कर ली जाएगी। सीसीटीवी फुटेज हैं वो हम चेक कर रहे हैं जहाँ जहाँ लगे हुए हैं, और आप जैसे जो मीडिया के साथी हैं उनकी भी हम मदद ले रहे हैं और उनसे अपील भी कर रहे हैं कि इस मामले में जो भी आप मदद दे सकते हैं आप मदद कीजिए ताकि हम अपराधियों के तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। सर ये लगातार जो बात कर रहे हैं तो ये दूसरी तीसरी वारदात है, पहले किसान से हुई थी, उसके बाद फिर इसी की दुकान में 3 लाख रुपए निकले थे जो उसके खुद ने नौकर ने निकाले थे, और अब ये तीसरी वारदात है। देखिए जो नौकर ने पैसे निकाले थे वो एक अलग मामला है कि इनके खुद के नौकर थे जिस पे विश्वास करके सारा कुछ छोड़ रखा था, और इवन कि उसकी न तो कोई वेरिफिकेशन करवा रखी थी कि ये इसका कोई कैसा क्रिमिनल बैकग्राउंड है या क्या नहीं है, तो नौकर के हवाले सारा कैश छोड़ रखा था और उसके बाद नौकर लेके चला गया। तो मेरा मानना तो ये है कि ये जो मामला है ये एक अलग तरह का मामला है, और जो नौकर पैसे लेके गया है वो एक अलग तरह का मामला है, दोनों में कोई संबंध नहीं है। बाकी जांच का विषय है, जांच में जो भी बात सामने आएगी, ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये प्रथम दृष्टया जो सामने चीज़ आ रही है मैं सिर्फ उसके आधार पे कह रहा हूँ। सर जो मामला दर्ज किया है पुलिस ने, जो कार्रवाई की है वो किन धाराओं के तहत और क्या कार्रवाई है? वो हमने 394, 397 IPC में मुकदमा दर्ज किया है, और इसमें रात को ही उसी वक्त उसके बयान लेकर के मुकदमा दर्ज कर लिया था और अनुसंधान इसका अभी तक जारी है। क्या नाम है सर? मेरा नाम मित्र सेन है सर। मित्र सेन जी आज लगातार अधिकारियों से मिल रहे हैं, वजह क्या है? वजह एक्चुअल में क्या है, जो कल रात को वारदात हुई है उससे 3 दिन पहले इनके यहाँ एक लड़का काम करता था और वो रात को इनका 3 लाख रुपये कैश और DVD वगैरह का जो होता है वो सारा सिस्टम निकाल के ले गया है, और उसके बाद फिर ये कल रात को फिर दोबारा दुर्घटना हो गई है, और उसके बाद हम लोग मिल रहे हैं, वो जो नंबर है उस नंबर पे रेगुलर बात हो रही है जो 3 लाख रुपए चुरा के भागा है। तो मेरा तो मानना यही है कि शायद सूत्र उसी से जुड़े हों, तो पहले उसी को पकड़ा जाए जब उसका नंबर चालू है। तो कंप्लेंट दी है कोई कार्रवाई? हाँ कंप्लेंट दी हुई है, कार्रवाई का आश्वासन मिला हुआ है, होगी, कल का टाइम दिया है, कल कार्रवाई होगी। हाँ नहीं कल SDM साहब आ रहे हैं, कल SDM साहब मार्केट में आ रहे हैं और ACPG भी आएंगे, तो कल का आश्वासन दिया हुआ है कि कल कार्रवाई होगी जरूर। तो क्या पूरी मंडी में भयका माहौल है इस तरीके? भयका माहौल तो पूरा बना हुआ है, आज इसके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। अगर जो कार्रवाई नहीं होगी तो क्या वारदात हो चुकी है? कार्रवाई अगर नहीं होती है तो कल पूरी मार्केट बंद रहेगी। इंसाफ की मांग करते हैं। क्या नाम सर? गुलशन बंसल। गुलशन जी लगातार माहौल भयका बना हुआ है मार्केट के अंदर, अनाज मंडी के अंदर, मामला क्या है? मामला क्राइम बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा किसी भी की। 7 दिन में 3री घटना है हमारी मंडी के अंदर। पहली घटना यहाँ ब्राह्मण धर्मशाला के आगे एक व्यापारी लूटा गया, फिर उसके बाद किसान लूटा गया, फिर उसके बाद ये दोनों वारदात इनकी ही दुकानों पे हुई। 3 लाख रुपए नौकर खुद लेके भागा और फिर कल रात को गोली चली। वो तो जो इनका भाई है वो अभी भी सर्वोदय हॉस्पिटल में दाखिल है, उसको गोली लगी है, ऑपरेशन चल रहा है उसका। पुलिस क्या कहते हैं सर? पुलिस अभी देखो हर बार यही कह देती है, कर रहे हैं, अब पता चलेगा, नहीं तो हम तो कल मंडी बंद करेंगे। कार्रवाई नहीं होती, पहले भी ऐसा हुआ है देखने के लिए मिला हुआ है, लेकिन 3 दिन तो होती है, 4थे दिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो क्या मंडी बंद करेंगे? ये पूरी अनाज मंडी भी बंद करेंगे, सब्जी मंडी भी बंद करेंगे, और जरूरत पड़ी तो बाजार भी बंद कराएंगे। क्या नाम है आपका? दीपक नाम है जी।
दीपक जी आज एसडीएम साहब से मिले हैं और उसके बाद एसीपी से मिले, मामला क्या है? मामला यही है, दुकान पे आए थे तीन लड़के, तीनों ने पिस्टल ले रखी थी, एकदम आते लगा दी कन, मेरे तो छाती पे लगा दी थी और लड़कों को कनपट्टी पे लगा दी, नीचे गिर लिए थे और नुगरे लाओ केस बता केस कहाँ है। मैंने भैया गोली चलाना मत, मैंने केस यहाँ रखा है दुप गिल्ला हीरा, आप लोग ले लो केस पर गोली मत चलाना भैया। तो मैं धीरे धीरे सरक सरक एकदम, मैंने कि वो एकदम गले की तरफ भागा ना, मैं एकदम गेट लगा लिया मैंने अपना और लड़के नीचे गिर रखे थे उन्होंने। फिर वो केस लेके फिर सिगरेट का डंडा लिया, भाई आ गए इतने छोटे वाला, वो उनके पीछे भगा डंडा लेके, तो उनने एकदम फायरिंग कर दी भाई के, हालांकि भाई ने एक डंडा ही मारा उनके टांट में सिर में, तो वो भाग गए। फिर कितना कैश लेके गए? 90,000 रुपये थे भैया। 90,000 किस चीज़ की शॉप है आपकी? किराने की दुकान है। किराने की दुकान कहाँ जगह है? मंडी में, बल्लभगढ़ मंडी में। कोई सीसीटीवी वगैरह? कोई सीसीटीवी मेरे में लग रहे थे, वो तीन दिन पहले मेरी चोरी हो गई थी सीसीटीवी में, वो हार्ड डिस्क वगैरह ले गया चो नौकर, हाँ नौकरी था। अच्छा, तीन दिन पहले नौकरी चोर था? हाँ नौकरी छत पर रहता था और रात में वो मौका लेके कैश वगैरह लेके गया। हाँ वो 3 लाख रुपये वो तो ले गया। हाँ ये दूसरी घटना है। हाँ जी, कोई शिकायत वगैरह दी है? शिकायत दी थी, कोई सुनवाई नहीं हुई थी मुझे, मैंने वहाँ दे रखी थी पहले, उन करेंगे कुछ फिर से हो गई है। हाँ जी, आपने कोई शिकायत दी है? अब तो कर रहे हैं कार्रवाई हो रही है। क्या क्या आश्वासन मिल रहा है, किस तरह की? अभी तो कह रहे हैं वो करेंगे।